अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एडमायरल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बॉर्डर हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है पॉम पॉम एजियन बॉर्डर। तो आइए शुरू करते हैं। पॉम पॉम बॉर्डर बनाने के लिए मैंने बेस बना ली है। अब सबसे पहले कलर मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 6 चेन स्टिचेस बनाने हैं। 6। अब इन 6 चेन स्टिचेस में पहले 2 चेन स्टिच छोड़ने, 1-2। अब इस थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाना है। 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब आखिर में इस सबको एक लूप में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसे लॉक करेंगे और अगले में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह ये एक पॉम पॉम बन गया है। अब 3 स्टिचेस बनाएंगे, चेन स्टिचेस। यहाँ से 2 स्टिचेस छोड़ेंगे और तीसरे वाले को इस तरह एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना देंगे। इस तरह एक पॉम पॉम स्टिच हमारा पहला बन चुका है। दूसरा भी हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले 6 चेन स्टिचेस करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले 2 चेन स्टिच छोड़ के तीसरे वाले में डबल क्रोशे क्लस्टर बनाना है। 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाने हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस सबको एक ही लूप में हमने कन्वर्ट कर देना है और यहाँ से इसे लॉक कर देना है एक चेन स्टिच के साथ। अब इससे जो अगला चेन स्टिच था उसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, सिंगल स्टिच। तो 3 चेन स्टिचेस करने, नीचे से 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे वाले में हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर बनाना है। इस तरह ये दूसरा पॉम पॉम बन गया। पॉम पॉम बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।